अब की बार एक ही हक को आज बड़ी बहन डॉक्टर ज्योति जी मिर्जा के सानिध्य में इनके निवास स्थान पर आपने खेमसर के लोक लाडले भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम जी डांगा साहब, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष उत्ता साहब, अर्जुन राम जी मेहजा साहब, कंदाराम जी पालीवाल साहब और राजेंद्र जी जांगिड़ साहब और इस खेमसर विधानसभा गांव मौजूद सरपंच और जनप्रतिनिधि गांव रो मौजूद लोग पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, बातों तो सबू पहला ज्योति जी कही जी और मैं थाने एक बात आके हूं कि वो चुनाव है और चुनाव सामली पार्टी का लीडर भी वो मान लियो है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। माने अजय हिस्सा आवे घर में बैठा और डूडा होता है कि उम्मीदवार नहीं मिल रही हो जबकि मोटी मोटी बाता फेंकता कि मैं तो ही राजस्थान की ऐश्वर्या राय यहाँ दोनों पार्टियां मार ला रहे फिर है ऐश्वर्या राय ने यदि मेरा रंग और कलर में फिक्को करियो है तो डॉक्टर ज्योति मिर्जा करियो है। और मैंने कल ध्यान पड़ गयो क्यों नागौर की सैनी डॉक्टर ज्योति मिर्जा नागौर आ चुकी है और फिर बाद में पर हाव भाव भी चेंज हो गया है और रात्र बाद में बया हो रहा है कि हम उम्मीदवार किन घोषित करा पर पूरी कोशिश करी कि भारतीय जनता पार्टी में अपन दो धड़े में बांटा लेकिन मारे ध्यान नहीं है भारतीय जनता पार्टी का सैनिक भारतीय जनता पार्टी का लोग सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और भजन लाल जी की तरफ देख रहा है और नागौर में डॉक्टर ज्योति मिर्जा की तरफ देख रहा है। ज्योति जी ने जिसकी बात अपन की बात कि मैं तो आप लोगों ने कोई काम है और कोई है मेरे बीच में राजस्थान सरकार तक पहुंचाने का काम करूं और आप लोगों की मैं पूरी भलौन राखू मैं खेमसर ऐसा कि माने कोई पूरी भलौन वाला आदमी हुए पूरे मानो ध्यान रखने वाले हुए इस वास्ते खेमसर टोटल सरपंच था लोगों ने इंतजार कराया ए उत्ता जी कल बात करे क्यों अपन वो चुनाव है जो अब की बार बहुत बड़ी भारी लीड हुआ चुनाव खेमसर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रेवंत राम जी डांगा जीत लेकिन इन महीने अपने जोश के साथ होश भी नहीं खोलना है क्या फलानो कह कि आप 50,000 जीता बलदन का मेहनत करा बड़ी गलती मत करते जियो पिछली बार 2,000 वोटा नो फरक इन वास्ते जियो कि आप घना ही वोटा जीता घना ही वोटा जीता गणूडा वोट तो वे जीता भी मावे लेकिन वोट एक भी कम पड़ जाओ तो पिछ तो 5 साल रहेगा पर एक वोट कम पड़ गया इन वास्ते आप सभी ने सभी सरपंच सभी लोग आवड़ाओ जगह जी जानो लगा दीजियो मैं तो हमारी पूरी जी जान पेल के ज्यादा थड़ी में मजबूती रहेगा हमारी गारंटी और पूरी मजबूती लागा बाकी बात आवाज रेवंत जी कह दे था ने सीधा साधा आदमी आवाज ज्योति जी क्यों क्यों खाली रेवंत जी एक विधायक नहीं बन रहा है चौधर आप सब लोगों ने चालेला जितना भी क्यों सर का लो गांव धाणी में बैठा एक वोट दे भारतीय जनता पार्टी ने बिरो भी मान सम्मान बीतो भी हुई और जगदीश मीडिया से भी बीतो भी मान सम्मान हुई इन वास्ते रेवंत जी सब लोगों ने रेवंत जी विधायक रहे हमने 36 कोमरे विधायक रहे तो आप सब लोग बता दिया और एक मुस्त एक मैसेज दियो आज कि हम सब भारतीय जनता पार्टी का सभी लोग एक हाँ और मारो जो उम्मीदवार कमल को निशान है और मारो उम्मीदवार रेवंत राम डांगा है तो आप सब आज भी लाग जाना है आउना 13 तारीख तक जी जान लगा देनी जगह छोटा मोटा गांव में कोई निराज है कोई अपन हमें चुनाव लड़ रहा है बिने भी तय कर ले चुके हम की बार तम सरपंच बिना था तुम्हारा हाथ आप तो वोट भी जमीन दे आप बात तय कर ले चुकी गांव में तो अपन कमल के निशाना हर पंचायत में अपन लेट लेट निकला हमारी गारंटी है और कल वाली बात है जिसकी बात थाने ज्योति जी कहो भी है कल भी अपन दमखम हो नामांकन रैली में ज्यादा लोगों ने ले रहा है मेहनत अपन करनी पड़ी गाड़िया भर जानी लोगों ने लड़ना चौमासे के टाइम है तो बा मेहनत कर भरी काले भी वो मैसेज जानो चीज है कि भारतीय जनता पार्टी रो खेमसर रो नामांकन भरी जो बेमे सभी पार्टियां लोग बारह हगड़ा ने एक धकी ने बेड़ा कर लो और भारतीय जनता पार्टी वाला एक साइड में राख लो सब ज्यादा भीड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन भी आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत राम राम।